नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और जैसा कि आप लोगों को हम हर बार यहां पे सूचित करते हैं, और जब से आपका ये CCA का जो बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का जो मामला है, अप्रेंटिस का जो मुद्दा है CCA भर्ती को लेकर, वन टाइम सेटलमेंट को लेकर, GM पावर को लेकर, ये जो मुद्दा है वो बहुत यहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा, और धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी विभाग जो है अप्रेंटिसशिप मुद्दा के ऊपर यहाँ पे अपना सहानुभूति दर्शा रहे हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये है कि जितने भी यहाँ पे चाहे पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, NDA के हो या फिर आपका कांग्रेस के हो, सभी अब अपना अप्रेंटिस के प्रति जो अपना सोच है उसको बदल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आप लोगों के रिगार्डिंग ऑफिशियल रेलवे मंत्रालय की तरफ से अपडेट आएगा कि GM पावर के तहत आप लोगों का शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति किया जाएगा। हालांकि यहां पे एक लाइव इंटरव्यू सामने आया है जो JDU के महाप्रवक्ता है, उन्होंने भी ये बता दिया है और पूरा वो गारंटी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में अप्रेंटिसशिप वाले साथियों का पहले भी भला हो चुका था, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी भी रेलवे थे तो उन्होंने एक बार में हजारों एक्ट अप्रेंटिस छात्रों का समायोजन रेलवे में किया था, लेवल 1 भर्ती पे, ग्रुप D भर्ती में, ठीक है। और फिर से उनको मेमोरेंडम भी दिया गया है, और हमने आपको पहले भी इसके रिगार्डिंग सूचना दी थी कि एसोसिएशन का जो टीम है वो पर्टिकुलर मेमोरेंडम भी सबमिट किया है, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि बहुत जल्द एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज देखने को मिलेगा। बाकी अभी जो JDU के महाप्रवक्ता है वो क्या बोल रहे हैं एक्ट अप्रेंटिस को लेकर, खास बातचीत हुआ है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। बाकी आपका क्या फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और जब से देखिए एक्ट अप्रेंटिस का नॉन स्टॉप यहाँ पे 3 से 4 हादसा हुआ है, उसके बाद ये अप्रेंटिस का मुद्दा बहुत ही हाईलाइट चल रहा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों को निरंतर प्रयास करते रहना है, ऐसा नहीं हो कि हाँ भाई यहाँ पे हादसा हो गया, लोगों को मुआवजा मिल गया तो फिर से इस मुद्दा को दबने देना है, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। इस मुद्दा को दबने अब बिल्कुल भी नहीं देना है, मुद्दा को हाईलाइट रखना है, तब जाके आगे जो है हमारी मांग यहाँ पे जरूर से जरूर पूर्ण होगी। आगे चलिए हम आपको जो प्रवक्ता के यहाँ पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आ रहा है वो सारा इंटरव्यू आप लोगों को दिखाते हैं, और देखिए उनका अप्रेंटिसशिप के प्रति क्या सोच है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और चाहते हैं कि रेलवे का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, तो कंटिन्यू करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम चलते हैं अभी आपके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पे सेक्शन पे, और वहां पे देखिए क्या बताया गया है। एक बात बता दें, हम जीरो टॉलरेंस पे विश्वास करते हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी का जो आज तक राजनीतिक कैरियर रहा है, काजल की कोठरी में रहते हुए एकमात्र देश के नेता है जो बेदाग है, तो उनकी चाहे वो रेल मंत्री रहे, उस समय भी जो नियुक्तियां हुई उसमें भी पूरी पारदर्शिता थी। जी, रेलवे के थे, अप्रेंटिस करते थे, तो एक ऐसा लगता था ना कि यार मैंने अप्रेंटिस तो कर लिया, मेरे दरवाजे खुल चुके हैं, लेकिन सरकार ने पॉलिसी बदली, कुछ परिवर्तन किया। इस पर भी आप मिले हैं, मैं चाहूंगा जरूर जो लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे। देखिए, मैंने ये सच्चाई है, 2014 से पहले GM पावर हुआ करती थी, और रेलवे के बच्चे RTI करते हैं, फिर वो रेल से कोई मैकेनिकल से, कोई इंजीनियरिंग से, कोई हर टेक्निकल, जो जिस टेक्निकल हैंड से जो है वो स्किल्ड होते हैं, वो डबल स्किल्ड होते हैं। और 2014 से पहले GM पावर हुआ करती थी कि जो बच्चे अप्रेंटिस रेलवे से कर लेते थे उनको जो है रेलवे सीधे ज्वाइनिंग लेटर भेजता था और ज्वाइन करा लेता था, लेकिन 2014 से ये चीजें जो हैं बंद कर दी गई। और जब उन्होंने धरना प्रदर्शन और उन लोगों ने बड़ी मांगे की, क्योंकि 200 बच्चे लगभग आत्महत्या कर चुके हैं इस मामले को लेकर के, नौकरी न मिलने के चलते, बेरोजगारी से तंग आ करके, तो उन्होंने मांगे की, तो उनको 20% का जो है एक वो दिया गया, वो भी एग्जाम के थ्रू। तो उसमें होता क्या था कि जो नए बच्चे थे वो तो सिलेक्ट हो जाते थे, लेकिन पुराने बच्चे आज भी वैसे जैसे तैसे लाखों बच्चे पढ़े हुए, जिसमें 50,000 बच्चे केवल बिहार से हैं, केवल बिहार से हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी से मिला था इस बार जी, और रेल अप्रेंटिस के बच्चे भी थे, और मैंने उनको पत्रक भी दिया और उनको बताया कि आप खुद रेल मंत्री रहते हुए रेल अप्रेंटिस के बच्चों को आपने नियुक्त किया था, देखा भी, और हजारों बच्चों को नियुक्त किया था, ऐसा नहीं था कि थोड़े मोड़े बच्चों को नियुक्त किया था।
तो उन्होंने उस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और उसको हमारे राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद सर को दिया और उनसे कहा उन्होंने कि इसको हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है दिल्ली की कि वहां पर उनको कैसे समन्वय बैठा करके एनडीए गठबंधन में और अपने कामों को कैसे कराना है, तो उन्होंने उनको दे रखा है। अब देखिए सत्र 22 से चालू होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संजय झा जी एक लर्निड पर्सन हैं और वो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, तो वो जरूर युवाओं की समस्याओं को समझेंगे और जीएम पावर को वो भी समझ रहे हैं।